Hello students, we'll continue part 2 of The Little Girl by Catherine Mansfield, class 9th. We read that uh, Kezia was bitten by her father because she had torn very important papers of her father. Uh, although she wanted to explain the things to her father why she had done so, but uh, as her father was very upset he didn't listen to her and he punished her by Beating her small little palms with the ruler. And hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. I mean hours later. Kiske hours later when she was bitten. Jabuske pitayo, uske kuch ke baad. Grandmother came to her room. She wrapped, mean cover. She wrapped.

रेफर्स टू अगेन के जिया टू हर सॉफ्ट बॉडी हर सॉफ्ट बॉडी किसके लिए आया है दादी के लिए वॉट डिड गोड मेक फादर्स फॉर शी इज सॉफ्ट शी वॉज क्राइंग शी वॉज नॉट स्टिल कम्फर्टेबल शी वॉज क्राइंग क्राइंग एंड शी सैट दैट शी मीन्स दैट गोड शुडेंट हैव मेड फादर्स शी हेटेड हर फादर शी वॉज सो इनोसेंट शी डिडेंट नो एक्चुअली शी वॉज सो इनोसेंट दैट शी डिडेंट नो वॉट रॉन्ग शी हैड डन टू हर फादर

I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. So, her grandmother told her to have a clean hanky. Darling mean it's an expression of love. So, grandmother, uh, as she was trying to pacify Kezia, she gave her a handkerchief to blow her nose and uh, she wanted her to go to sleep. She also said that by morning she would forget the beating. शी मतलब जैसे सुबह उठेगी तब तक वो ये सारी बात भूल जाएगी uh, केजिया कहते हैं ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर कि मैं फादर को सब कुछ बताना चाह रही थी कोशिश की मैंने बट ही वॉज टू अपसेट कि लेकिन फादर जो थे वो इतने अपसेट हो गए थे कि वो मेरी बात उन्होंने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं बट द चाइल्ड नेवर फो गेट फो गोट नेक्स्ट टाइम शी सो हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इन टू हर चिक्स जैसे दादी ने कहा था कि वो जल्दी से भूल जाएगी शी वॉन्ट टू मेक हर स्लीप एंड शी ऑल्सो एडिड दैट शी वुड इट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग लेकिन ऐसा हुआ नहीं जो केजिया थी वो भूली नहीं अगली बार जब भी वो अपने पिता को देखती तो डर के मारे वो दोनों हाथ अपने बैक के पीछे कमर के पीछे कर लेती और उसके गालों पर लाल रंग हो जाता मतलब उसके गाल जो थे वो लाल हो जाते इट मीन्स क्या है Uh, you can say that kezia never forgot the beating she had got from her father. whenever she saw her father coming to him, coming to her, approaching, she would keep her hands behind her back because she felt that maybe he would beat her again. and her uh, cheeks would become red. it means uh, that she was afraid of her father. that's why her cheeks become red. now there is a. चेंज इन द स्टोरी लिटिल बिट केजियाज नेबर्स एंड दे आर द मैकडोनल्ड्स मैकडो मिसटर मैकडोनाल्ड इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम हर फादर फॉर समाइम्स शी फेल्टैट मिस मैकडोनल्ड इज़ अ गुड फादर ही स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रेन एंड मैनी थिंग बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हर फीलिंग फॉर हर फादर ऑल्सो चेंजेस द मैकडोनल्ड लीवड नेक्स्ट डोर लीव नेक्स्ट डोर का मीनिंग क्या है नेबर्स द मैकडोनल्ड्स हुगर के जी आर्ज नेबर दे हैड फाइव चिल्ड्रेन पाँच बच्चे थे उनके लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल्स सो playing टैग इन द इवनिंग शी वॉज लुकिंग थ्रू अ गैप शी वॉज पीपिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस और उसने क्या देखा कि वो अपने बच्चों के साथ शाम को जो मिस्टर मैकडोनल्ड हैं वो टैग पकड़ा पकड़ी का गेम होता है उसको खेल रहे हैं द फादर विद द बेबी माओ ऑन ए शोल्डर The baby माओ was sitting on her father's shoulders. Two little girls hanging on to his coat pockets ran round the round, round and round the द beds. बैट्स जो लड़कियाँ हैं उन्होंने क्या कर रखा है अपने फादर के कोट की पॉकेट्स को पकड़ा है और वो गोल गोल जो फ्लावर बेड्स हैं उनके आसपास घूम रही हैं शेकिंग विद लाफ्टर एंड दे आर लाफिंग वेरी मच वंस शी सो द बॉयज टर्न द हो जोन हिम

Uh, उनको उनके साथ खेलते हैं भागा दूरी करते हैं तो देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर बाय सींग मिस्टर मैकडोनल्ड स्पेयरिंग सम टाइम फॉर हि चिल्ड्रन शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर्स वो सोचती है कि फादर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं बिकॉज हर फादर वॉज नॉट लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज प्लेइंग विद य चिल्ड्रन he doesn't feel angry with them. he tried to catch them. he was laughing. everybody was laughing. so these kind of things were quite uh, different from uh, kezia because her father was not like mr. macdonald. then it was, so suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. so what happened now? one day kezia's mother fell ill, so she was taken to the hospital and the grandmother also went with her. हर दादी जो थी उसको आ, केजिया की मदर बीमार हो गई और दादी भी उनके साथ गई द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कोक नाओ केजिया वॉज अलोन ऑल अलोन एट होम विद द कुक एलिस दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम ड्यूरिंग द डे टाइम कहते हैं कि दिन में तो सब कुछ ठीक था शी डिडेंट फेल्ट एनी थिंग दिन में बिल्कुल ठीक ठाक था वो घर पे जो थी उनके साथ खेल रही थी सी दिस इज मिस्टर मैकडोनाल्ड वन बेबी ऑन ई शोल्डर टू आर पिकिंग द पॉकेट्स एंड टू बॉयज आर ट्राइंग टू रन एंड दिस इज केजिया शी इज ट्राइंग टू शी इज़ वॉचिंग थ्रू द गैप बिटवीन द फेंस बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बैट शी ग्रू सडनली अफ्रेड थ्रू आउट द डे शी डिडेंट से एनी थिंग जब वो कुक के साथ थी लेकिन जैसे ही शाम होती है जब uh, Uh, जो कुक है एलिस है उसको सुलाने की कोशिश करती है तो वो डर जाती है शी स्टार्टिड फीलिंग स्केर्ड वट विल आई डू इफ आई हैव नाइट मेयर शी आस्ट वो एलिस से पूछती है कि आई ऑफ़न हैव नाइट मेयर्स मुझे रात को अगर सपना आ गया तो मैं क्या करूँगी नाइट मेयर मीन बैड ड्रीम अगर मुझे रात को डरावना सपना है तो मैं क्या करूँगी आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मीन टू हर बेड कहती है कि मुझे रात को कई बार बुरे सपने आते हैं और तब दादी मुझे अपने साथ अपने बिस्तर में ले जाती हैं आई कांट स्टे इन द डार्क इट्स ऑल गेट विस्फरिंग क्या कहती है कि मैं अकेले नहीं रह सकती आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस आई एम स्केर्ड ऑफ डार्कनेस एंड शी ऑल्सो सेट दैट शी कुड डिफरेंट काइंड ऑफ विस्फरिंग साउंड विच मेड हर फील दैट देर वो हर उसको आवाज ही सुनाई देती हैं जिससे ऐसा लगता है कि कोई आसपास है तो वो डर जाती है तो यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स तो जो एलिस कुक है वो कहती है तुम सो जाओ बच्ची और उसकी सॉक्स को निकाल देती है एंड डोंट यू स्क्रीम इन वेक योर पुअर पा एंड ट्राई नो टू स्क्रीम चिल्लाना मत कहीं तुम्हारे फादर ना उठ जाएं शी रिमूव के सॉक्स एंड वोंट हर नो टू स्क्रीम एंड वेक हर फादर बट के जिया हेल्पलेस बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर के

जो जानवरों को मारता है तो द बच्चर विद अ नाइफ एंड अ रोप वो क्या देखती है कि जो कसाई है ही वॉज हैविंग अ नाइफ एंड अ रोप इन हिज हैंड कमिंग नियर एंड एंड नियर इर एंड स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल एंड ही वॉज स्माइलिंग उसको क्या फील होता है दिस बच्चर वुड हैव होल्ड अ बिग नाइफ यूज बच्चर नाइफ एंड अ रोप एंड ही वॉज अप्रोचिंग टू केजिया ही हैड अ ड्रेडफुल स्माइल ऑन इज फेस वेल शी कु नॉट मूव कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंड मा ग्रैंड मा सो शी वॉज टेरिफाइड टू सी दिस बच एंड इन हर स्लीप केज यर क्राइड फॉर हेल्प ग्रैंड मा ग्रैंड मा सोते सोते उसको बुरा सपनाया डर जाती है तो क्योंकि वो दादी के पास होती है तो सपने में वो दादी दादी चिल्लाती है और शी वॉक शिवरिंग टू सी और क्या देखती है वो जैसे ही देखती है आंखें खुलती है उसकी उसके फादर उसके बेड के पास खड़े हैं ही वॉज होल्डिंग अ कैंडल इन इज Hand. So, what's the matter? He said. Keiji's father asked her, What was the matter? Kya ho gaya? Then she replied, Oh, a butcher, a knife, I want to granny. she was, uh, was still scared of the nightmare. She said that there was a butcher, he was holding a knife and a rope, he was coming to me. She started to talk like that, he was having a knife, and also added that she wanted to go to the ग्रैंड मदर दादी के पास उसको जाना वो सारी बात अपने फादर को बता देती है ही ब्ल्यू आउट द कैंडल ही ब्ल्यू आउट द कैंडल बेन डाउन एंड कॉट ऑफ द चाइल्ड इन इजाम्स सो यू कैन सी दैट वो क्या करते हैं मोमबत्ती को बुझा देते हैं झुकते हैं और बच्ची को अपने हाथों में उठा लेते हैं और उसे गोद में उठा कर बड़े बेडरूम में ले जाते हैं सो केजेज फादर जो हैं उसके पास वाले कमरे में ही हैं वो आ जाते हैं और उसको उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं अ न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड देर वॉज अ न्यूज पेपर ऑन द बेड ई पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड ऑफ द चाइल्ड उन्होंने बड़े प्यार से uh, बच्ची जो थी उसको नाइसली कवर किया बेड में लेटा दिया ही ले डाउन बिसाइड हर ही ऑल्सो हर वो भी उसके पास लेट गई हाफ अ स्लिप स्टिल स्टिल विद विदस स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड शी क्रेफ्ट क्लोज टू हिम अभी भी जो केजिया है शी ऑल्सो फीलिंग्स केयर अगेन एंड उसके फादर जो हैं उसके पास हैं तो अभी भी वो आधी सोई हुई थी अभी भी उसको वो याद आ रहा था वो बच्चर से स्माइल सपना की थोड़ी थोड़ी याद उसको आ रही थी इसलिए शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम वो धीरे धीरे अपने पापा के पास चली गई स्नगल्ड हर हैंड अंडर हिज आर्म और अपना चुपके से अपना सिर जो है कम्फर्टेबल पोजिशन में अपने फादर के पास ले गई हैल टाइटली टू हीज शर्ट और टाइटली अपने फादर की शर्ट को उसने पकड़ लिया देन द डार्क डिडेंट मैटर शील इज स्टिल उसके बाद अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ा वो आराम से लेटी रही इट मीन्स क्या है दिस ऑल्सो शोज केजिया केजिया फादर्स अफेक्शन एंड दैट्स वाई शी वेंट क्लोज टू हिम चुपके से उनके अपने फादर के पास जाती है अब उसको किसी चीज़ का डर नहीं है क्योंकि नाउ शी इज़ विद हर फादर एयर रब यूर फीट अगेंस्ट माई लैग्स एंड गेट देम वोम सेट फादर उसके फादर कहते हैं अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो और गर्म हो जाओ tired out he slept before the little girl kj's father was too tired that he slept before the little girl bhai wo itne jaldi itne thake hue the kj ke sone se pehle hi so gaye a funny feeling came over her और जैसे उसने अपने फादर का ये चेंज फॉर्म देखी है उसको मतलब थोड़ी सी फनी फीलिंग आती है पुअर फादर नॉट सो बिग जैसे अपने फादर को मानती थी बिग माउथ बिग नैक अज अ मोन्स्टर लेकिन अब उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है okay? इतने भी बड़े नहीं हैं विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम देर इज़ नो वन हुड लुक आफ्टर हिम ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर देर इज नो डाउट दैट हर फादर वॉज हार्डर देन द ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस बट शी फेल्ट दैट हिज हार्डनेस इज गुड फॉर हर एज वेल सो मीन यू कैन से दैट हेयर केजियर रियलाइजेज हर मिस्टेक्स And she had now affection for her father. She felt that her father was a poor man. He worked so hard. He was not so big as he found him to be earlier. Now she felt that her father was a poor man who worked very hard and so tired, so hard. But uh, now she felt that uh, her father is a good man. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. And she also found that. Uh,

उसको ध्यान आता है कि अभी उसके फादर ने उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि वो इम्पोर्टेंट पेपर्स को उसने फाड़ दिया था और उसको अपनी गलती का एहसास होता है वो एकदम से हिल जाती है और थोड़ा सा रिलैक्स होती है वॉट द मैटर आज डर फादर अनर ड्रीम उसके ओल दो फादर वॉज अ स्लीप ही हर्ड हर साइज जब वो लंबी लंबी सांसें लेती है तो ही हर्ड द साउंड दट कीज मेड एंड ही आज डर व्हाट वॉज द मैटर नाउ और उसे पूछता कि फिर से सपना आ गया क्या ओ सेट द लिटिल गर्ल माई इज़ ऑन योर हार्ट कहती है कि माय हैड इज ऑन योर केज ए रिप्लाई टू फादर दैट शी हैड प्लेस्ड हर हैड ऑन योर आई कैन हियर इट गोइंग शी कुड हियर हिज हार्ट बीट अपने अपने फादर की हार्ट बीट उसे सुनाई दे रही थी अपने फादर की छाती पे से रखकर वो लेटी हुई थी और अभी हार्ट यू हैव गोड फादर डियर Now her feeling for her father totally changed. She was showing love for her father as she has as she has realized that her father loved her very much. So uh, she complimented her father that he had a big heart. In this way, her feeling for her father changed. This is this happens with all the children uh, when they do some kind of a disaster like Kesia has done by.